नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमिता प्रजापति, आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर, इस ठंडे बॉस्टन अमेरिका से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके पास आई हूँ, जिससे आयुर्वेद में हम कहते हैं ऋतुचर्या। तो अभी हम जिस ऋतु में गुजर रहे हैं उसको बोलते हैं शिशिर ऋतु, और इसके बाद में आएगी वसंत ऋतु और फिर ग्रीष्म ऋतु। आयुर्वेद में जैसे कि कहा गया है कि चय प्रकोप प्रशमा वायोर ग्रीष्मादिषु तिषु वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु, यानी कि हमारे शरीर में वायु, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम अलग अलग ऋतुओं में होता है। तो अभी हम जिस ऋतु में जा रहे हैं वह है, अभी हम जिस ऋतु से जा रहे हैं उसका नाम है शिशिर ऋतु। तो आयुर्वेद में कहा गया है शिशिर ऋतु में कफ का संचय यानी कि एक्यूमुलेशन होता है, और वसंत ऋतु में संचय का कफ का प्रकोप यानी कि एग्रीवेशन होता है। तो शिशिर और वसंत, ये दोनों ऋतुओं में हमें ऐसा आहार विहार करना चाहिए कि जो कि कफ को एक्यूमुलेट या एग्रीवेट ना होने दे। तो ऐसा जो भी आहार है वो है, ज्यादा से ज्यादा मूंग का सेवन करिए, नए धान्यों का ज्यादातर सेवन करिए, ज्यादा हो सके उतना गर्म, फ्रेश और ताजा खाना खाइए, वार्म लिक्विड और सूपी फूड्स का ज्यादा यूज करिए। गर्म दूध है, गाय का घी है या अनसॉल्टेड बटर है, इसका हमेशा यूज करिए, जिससे कि आपका वायु और कफ दोनों भी शांत रहे। दूसरा, इस ऋतु में धूप बहुत ही अच्छी होती है, तो आयुर्वेद कहता है कि शिशिर और वसंत ऋतु में आप जितना व्यायाम करोगे धूप में, उतनी आपकी हड्डियां, आपके बोन्स, ये सब स्ट्रांग होंगे और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होंगी। तो इसलिए धूप में हो सके उतना व्यायाम करिए। खाने में आप हो सके उतना वार्मिंग स्पाइसेस यानी कि फ्रेश हल्दी आजकल मिलती है, या लहसुन मिलता है, हरा लहसुन, या हरी सब्जियां जितनी होती है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। ड्राई फ्रूट्स को कम से कम 2-3 घंटा पानी में भिगा कर फिर वो पानी फेंक कर उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि शिशिर और वसंत ऋतु, ये दोनों ऋतुओं में हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग होती है और हम जो भी खाते हैं वो पूरे साल भर हमें शक्ति प्रदान करता है। तो हो सके उतना नरिशिंग से नरिशिंग फूड आप ये दोनों सीजन में यूज करिए, और हो सके उतना आयुर्वेदिक वनस्पतियों का यूज करिए जो कि आपको शक्ति प्रदान करने का काम करती है। जैसे कि मेरे आयुर्जा और इम्यूजन करके बहुत ही अच्छे दो प्रोडक्ट्स है, जिसके द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों को कोरोना में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दिया, जिनको कोरोना होते हुए भी उनका कोरोना जल्दी से रिकवर हो गया और साथ ही में उनको जो आने वाले कॉम्प्लिकेशन से वो सब नहीं हुए, और प्लस कफ कोल्ड वगैरह जल्दी से जल्दी ठीक हो गए, उनके बुखार के लिए भी उनको ज्यादा दिन तक एलोपैथिक दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ा, और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनीज है जो इन दवाइयों से बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो गए, जो आप मेरी वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो इसी प्रकार आयुर्वेद में बहुत सारी वनस्पतियां बताई गई, जैसे गुड़ुची है, तुलसी है, सूंठ है, अदरक है, इन सब का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आप ये दोनों ऋतुओं में करिए। आपकी स्किन को और बोन्स को अच्छा रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी और आपके सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए आप अपनी बॉडी को तेल का गर्म मसाज करिए, खुद अपने हाथों से मालिश करके फिर वार्म शावर या बात लीजिए। तो ये हो गई छोटी छोटी टिप्स शिशिर और वसंत ऋतु के बारे में। इसी प्रकार नई नई टिप्स और रेमेडीज लेकर मैं आपके पास आते रहूंगी, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे से टच में रहिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।